हमारे साथ ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट। जी ह्यूमैनिटी जी बोले। हेलो सर, सर आप सभी को जय भीम। जी जय भीम। सर जय भीम सर। सर मुझे अभी आपकी बातें सुन रहा था और मेरे थोड़ी हिंदी इतनी क्लियर नहीं है, तो मैं बोलने की प्रयास करता हूँ सर। नो इशू। सर आपने वैसे तो मेरे सारे जो सवालों का जवाब उन्हीं ने, आइजैक न्यूटन अभी जो बोल रहे थे, मैं भी उसी बात पर बात करना चाहता था और अमी सर ने भी बहुत अच्छे से उस पर बता दिया सर। मगर जो लोग आपके पास आते हैं, जो गालियां देते हैं, भीमता बोलते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं सर, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी ये उस पर मैं यही बोलना चाहता था कि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो इस बात को नहीं समझ पाते कि जो आज हमें आजादी मिली है वो किसने दी है। वो इस बात को नहीं समझ पा रहे कि अगर वो बहुत अच्छे से स्कूल में जा रहे हैं, या कुछ भी उनके पास जो भी अचीवमेंट्स आज उन्हें मिल रही हैं, वो किसकी वजह से, वो आज हमारे संविधान की वजह से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से है, ना कि किसी धर्म की वजह से। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन ना होता, अगर उस टाइम में अम्बेडकर जी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते, तो इनको ये राइट्स या कुछ भी दिलाने वाला और कोई आदमी नहीं था। मगर इनको, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम इन लोगों से होती है जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं और फिर भी वो हमारा वैदिक धर्म, हमारा धर्म जो भी बोलते हैं, मगर इस बात को नहीं समझ पाते कि ये आज जो उन्हें फैसिलिटीज मिल रही हैं वो किसकी वजह से मिल रही हैं सर। मगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से उस पर बोल ही दिया है सर, तो अभी क्या ला जाए। वैसे थैंक यू सर मुझे लेने के सर लिए, इसमें आप एक बहुत छोटा सा अच्छा काम पॉइंट कर रहे मैं हैं। ना ये रखना चाहता हूँ। देखिए जब कभी हम बात करते हैं ना तो राजनीतिक फ्रीडम एक अलग चीज होती है, सामाजिक आजादी एक अलग चीज होती है। एक ना ऐसा मैं आपको बिंदु बता रहा हूं, ये बात मैं जब बोलूंगा उसके बाद में सारे लोग स्ट्रीम खत्म होने के बाद सोचिएगा इस बात को ना, और इतिहास के आईने में रख के इस बात को सोचिएगा। मैं ऐसा मानता हूं कि बाबा साहब ने ना देश को एक बहुत बड़े गृह युद्ध से बचाया था उस समय। वो ऐसे बिल्कुल कि मान लीजिए कि इस देश को राजनीतिक आजादी बस मिली होती, सामाजिक आजादी नहीं मिलती। मेरे सामने में उदाहरण है एक ऐसे देश का जिसको राजनीतिक आजादी जिन्होंने लिया, छीन के ले लिया चलो अंग्रेजों से, लेकिन वो देश अपने बनने के 70 साल के बाद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। उस देश में गृह युद्ध हो गया, क्यों? सामाजिक आजादी के लिए। उस देश का नाम है अमेरिका। अमेरिका में जो राजनीतिक आजादी है उसके आने के तकरीबन 70 साल के बाद में वो देश दो टुकड़े होकर लड़ रहा था इस बात के लिए कि समाज में समानता रहनी चाहिए। ये बात दूसरी है कि वहां पे रंग के आधार पे हो रहा था, नस्ल के आधार पे हो रहा था। हमारे यहाँ जो जाति है उसके आधार पे होता। बहुत बड़ी एक ना एक गृह युद्ध ना इस देश के ऊपर से टल गया, आप ऐसा सोचो। क्योंकि समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को अगर आप अधिकार नहीं देते, आजाद होते ही के साथ ही संविधान में इस तरह की बातें नहीं होती कि आप उनको ये अधिकार भी दो भाई कि वो अपने मतलब खुद अपनी चीजों को कर सके। अगर आप समाज के एक वर्ग को हमेशा दबा के रखते, बहुत बड़े वर्ग को ना, एक्चुअल में वो ज्यादा बड़ा वर्ग है इस देश का, अगर आप उनको दबा के रखते, मैं ये पक्का मानता हूं इस देश में गृह युद्ध हो जाता। रिप्रेजेंटेशन ही जी अगर किसी को नहीं मिलेगा तो फिर तो वो अपने हक की लड़ाई के लिए फिर वो कुछ ना कुछ करेगा। वो करके दरअसल बाबा साहब ने इस देश को ना दरअसल गृह युद्ध जैसे अंधकार से वापस खींचा है। तो जो लोग आके गाली बकते हैं, जो लोग आके भीमता बोल के जाते हैं, मैं तो चलो वो भीमता को ना बैज बना लेता हूं। दूसरी बात ये कि भाई अगर मुझे कोई गाली देता है ना तो मैं उसकी गाली लेता ही नहीं हूं, और मेरे लिए सारी गाली जी फिक्शन है, फिक्शन है, कल्पना है ना सब गाली। तो कोई मुझे माँ बहन गाली दे दिया तो उसका कोई मतलब नहीं होता है दरअसल। मगर वो गाली देने का मतलब ये कि अब उसके पास में कोई तर्क नहीं बचा है, मैंने उसकी पूंछ पे ऐसा पांव रख दिया है कि अब वो हाउ हाउ कर रहा है बस बैठ के। तो जो लोग आके कभी भीमता जी बोलते हैं, जो एक मूर्ख आके बोल दिया कि ये संविधान को तो नहीं होना है, इसको हटा दो, उस मूर्ख को ये नहीं पता है कि देश के साथ क्या हो जाता। ये ना क्या है, पान टपरी और चाय टपरी में ये सब जो बकवासें ना चल जाती हैं। जब देश का उस समय प्रश्न था ना,
एकदम नया नया आजाद हुआ देश, साक्षरता दर सिर्फ 13% थी। तो भाई वो जी बहुत ही सही काम हुआ, रिप्रेजेंटेशन सबको होना चाहिए ना, इसमें क्या बुरी बात है यार, मेरे को तो यही नहीं समझ में आई बात आज तक। रिजर्वेशन, सर, अगर किसी को इन्होंने रिजर्वेशन बोल के ना, वो दरअसल रिजर्वेशन रिजर्वेशन जैसा भी नहीं, रिप्रेजेंटेशन बोलना चाहिए ना उसको, तो रिप्रेजेंटेशन सबको है, इसमें क्या बुरी बात है। जी जी सर, इनको धर्म की किताबें पढ़ने से फुर्सत मिले तो ना, वो भी नहीं ह्यूमैनिटी पढ़ते, बस कम्फर्ट, बातें ही करते हैं। हाँ जी ह्यूमैनिटी सर, कम्फर्ट। जब मेरे को सर आप 30 सेकंड दे सकेंगे क्या अपनी बात रखने से पहले? ओके 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 सर, सर, तो मैं ना ये सब एक बात कहना चाह रहा था सर कि भारत में ना एक संस्कृति है, उस संस्कृति में महात्माओं की बहुत होगा वैल्यू, महात्माओं की बहुत ज्यादा वैल्यू बना के रखे हैं। कबीर हो गए तो महात्मा हो गए, रविदास हो गए तो महात्मा हो गए, महात्मा गांधी हो गए तो महात्मा हो गए, फूले हो गए तो महात्मा हो गए। लेकिन सर इतने महात्माओं के बाद किसी ने छुआछूत को खत्म करवा पाया क्या? दोहे देने, उपदेश देने, ज्ञान देने के बाद किसी ने छुआछूत को खत्म करवा पाया क्या? किसी ने नहीं करवा पाया। ये सिर्फ अंबेडकर थे जिन्होंने छुआछूत को ना सिर्फ खत्म कराया बल्कि कुछ अछूत समाज को मेन स्ट्रीम में जोड़ा। अछूत समाज आज कोई एक आदमी बोल के दिखा दे कि ये कोई सामने वाला अछूत है? जी ये सिर्फ अंबेडकर कर पाए हैं। तो अंबेडकर की वैल्यू को समझने में सर हम लोग से बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, तो हम उसको थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि उसको अवॉइड किया जाए और सही तरीके से जो अंबेडकर वाद है उसको प्रोपगेट किया जाए। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी 30 सेकेंड्स, थैंक यू सो जी मच। ह्यूमैनिटी कम्स, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, आखिरी साथी इनको लेंगे। न्यू करके जी हैं, आए हैं, इनको आखिरी, फिर हम खत्म करेंगे स्ट्रीम को। जी न्यू जी बोलें। हाँ हेलो, मेरी आवाज आ रहा हाँ अरे है? मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें कहने के लिए तो, लेकिन क्या होता है कि जैसा टॉपिक चल रहा है अंबेडकर को लेकर, कि अंबेडकर जी भी कह सकते हैं आप, अगर आपको लोगों को बुरा ना लगे तो, क्या है कि अंबेडकर का जो के बारे में जो लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, जब तक पहुंचती है वो एक्चुअली नेगेटिव ज़्यादा रहती है, पॉजिटिव कम रहती है। जब तक आप, अगर आप लोग स्कूल में पढ़े हों तो अंबेडकर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, टीचर्स और जो भी टीच पढ़ाने वाला टीचर होता है वो किस तरह से रिप्रेजेंट करके दिखाता है, नेगेटिव तो नहीं कहूँगा, इमोशनल नेगेटिव कह सकते हैं कि वो एक हीन भावना कह सकते हो आप। जब किसी के साथ वो हीन भावना जोड़ जोड़ दी जाती है तो आदमी अपने आप ही उससे दूर हटने की कोशिश करता है, क्योंकि कोई भी इंसान मतलब हीनता से नहीं जुड़ा रहना चाहता। तो मोस्टली जो होता है ये प्रॉब्लम कि लोगों के पास ये थॉट नहीं पहुंचता अंबेडकर का, जो जो ओरिजिनल थॉट है, कि यही नहीं कि वो कास्ट सिस्टम से लड़े, इससे लड़े, उससे लड़े, जो बेसिक उनकी जो उन्होंने दिया जो इंडिया को वो पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि आपके माइंड में ये एक ब्लॉकेज जनरेट कर दिया जाता है कि अंबेडकर तो सिर्फ एक एक ब्लॉक या फिर एक ग्रुप के लिए लड़े, तो अब उनको आप साइड कर सकते हैं, वो देश के लिए थोड़े ना लड़े। बहुत सही सर विश्लेषण आपका। सही विश्लेषण है, क्योंकि हमारी जी तरफ से मतलब जो लोग संविधान को या बी आर आम्बेडकर जी को मानते हैं, वो लोग ही सिर्फ उनका प्रचार करते हैं, और वो भी सिर्फ एक सो कॉल्ड भीमटा या हम भीम साहब की फिलोसॉफी को मानने वाले के तौर से प्रचार किया जाता है। अगर अच्छी चीज कोई होती है तो उसका मार्केटिंग भी अच्छा होना चाहिए, उसका रैपिंग अच्छा होना चाहिए। मैं इनकी बात से सहमत हूँ, हमें इनका रैपिंग चेंज करना होगा, नॉट जस्ट ही वर्क फॉर अ पर्टिकुलर कास्ट और क्लैन। बाबा साहब वर्क फॉर एवरीबडी, ही गिव्स राइट टू एवरीवन कि आप सबको पढ़ना है, किसी एक को नहीं, किसी एक एक, एक संप्रदाय जाति को नहीं पढ़ना है। इनकी बात सही है। जी जी